पता चला उन लोगों का? नो सर, हमने यहाँ का कोना कोना चप्पा चप्पा छान मारा मगर उनका कहीं पता नहीं चला। वो क्या उधर सामने? वो घना जंगल है सर, जंगली जानवर रहते हैं उसमें, कोई आता जाता नहीं। हमने वहां चेक किया सर। से खेलो, वो हराम ज्यादा भाग कर जाने ना पाए। करण, 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 पुलिस वालों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है दोस्त, अब बचना बहुत मुश्किल है। मरना ही है तो लड़कर मरूंगा। कहां जा रहे हो करण? इन पुलिस वालों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? कब तक मैं इन जंगलों में कारों की तरह छिपता भागता रहूंगा? कब तक? आज तो मैंने होश में करण, इनसे मुकाबला करने का कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारी गोली उन्हें लगे या उनकी तुम्हें, दोनों ही सूरतों में हार तो मेरी होगी ना। तुम्हारी जिंदगी बहुत कीमती है करण, मेरे लिए, हम सब के लिए करण। और फिर ये मत भूलो, अगर तुम ये गलती कर बैठे तो अपने आप को कभी बेगुनाह साबित नहीं कर पाओगे। तो फिर क्या करूं मैं? हाथ पर हाथ धरे उनके यहाँ आने का इंतजार करूं ताकि वो दोबारा आकर मेरे हाथों में हथकड़ी लगा दे? तुम्हारा हाथ अब मैंने अपने हाथों में थाम लिया है, अपने जीते जी में कभी हथकड़ियां लगने नहीं दूंगी। याद है करण, एक दिन तुमने मेरी रिहाई का फैसला अपने तकदीर के साथ जोड़ लिया था, आज मैंने अपनी तकदीर का फैसला तुम्हारी रिहाई के साथ जोड़ दिया है। डिपार्टमेंट के सामने मेरा सर शक चल चुका है। जी चाहता कि अपने हाथों से तेरा गला घोट दूं। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हो क्या गया आपको? पागल तो नहीं हो गए आप?
पागल मैं नहीं, पागल तुम्हारी ये लाडली हो गई है जो इश्क करने लग गई, और जानती हो किससे? जो इसे उठा कर ले गया था। हफ्ते भर में ना जाने उस कमीने ने इसके दिल में क्या जगह बना ली कि उसके लिए ये पूरी दुनिया टकरा सकती है। शादा, आज मेरी अपनी बेटी ने मेरी आंखों में धूल झोंक दी, वरना वो कमीना मुजरिम आज पुलिस के शिकंजे में होता। वो मुजरिम नहीं है पापा, मासूम है, निर्दोष है, जिसके पीछे आपकी पुलिस रात दिन कुत्तों की तरह लगी हुई है। बकवास बंद करो, एक खूनी का साथ देने की सजा जानती हो? ये लीजिए, पहना दीजिए हथकड़ियां मेरे हाथों में, डाल दीजिए मुझे जेल में, मगर इतना याद रखिएगा पापा, मैं भी आप ही की बेटी हूँ, जुल्म और झूठ के खिलाफ कभी सर नहीं झुकाऊंगी। मैंने खूनी से नहीं बल्कि सच्चाई से अपना नाता जोड़ा है, और अपने जीते जी इस नाते को कभी टूटने नहीं दूंगी। शरम! ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो नादान है, मगर आप तो समझने की कोशिश कीजिए।